जैसे कहते हैं ना कि एक पर एक फ्री, कुछ ऐसी योजना यहाँ पर चल रही थी। ये विशेष योजना के तहत शुल्क घटाकर मात्र 99 रुपए कर दिया गया ताकि भीड़ ज्यादा से ज्यादा जुट सके। सैटरडे ऊपर से 99 का ये जो ऑफर चल रहा था, ऊपर से बच्चों की छुट्टियां, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि भारी संख्या में वहां पर बच्चे पहुंचे होंगे अपने परिजनों के साथ। अब यहां से भयानक मंजर शुरू होता है, मलबा ही मलबा, लाशें ही लाशें और गंध ही गंध। भारत एट 9 देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। मलबा, पुलिस की गाड़ियां, फायर ब्रिगेड की गाड़ियां, लगातार बजते एम्बुलेंस के सायरन, हवा में जले हुए शवों की गंध और अपनों की तलाश कर रही लोगों की चीखें और वो नम आंखें। राजकोट के टीआरपी गेम जोन का यही नजारा रविवार को पूरे दिन दिखा है। आज की तस्वीर की मैं बात करूं तो आज भी वो भयानक मंजर नजरों के सामने आ रहा है। शनिवार की बात है, शनिवार शाम राजकोट के नाना मावा रोड पर टीआरपी गेम जोन में भीषण आग लगने से 27 लोगों की जान चली गई, जिसमें ज्यादातर बच्चे हैं। घटना में मारे गए लोग अपने बच्चों के साथ इस गेम जोन में पहुंचे ताकि स्कूल की छुट्टियों का आनंद ले सके, लेकिन उन्हें क्या पता था कि स्कूल की छुट्टियों का आनंद लेना आखिरी साबित होगा। अब उनके परिवार वाले राजकोट सिविल अस्पताल परिसर में बेचैनी में दिखते हैं, क्योंकि अपनों को ढूंढ रहे हैं। शव देखने लायक नहीं है, पहचानने लायक नहीं है। गेम जोन राजकोट के पौश इलाके कालावाड में बनाया गया था। इसके एक तरफ आलिशान फ्लैट, बंगले, गार्डन, मुख्य सड़क है, तो दूसरी तरफ राजकोट का मशहूर सयाजी होटल। ये गेम जोन पिछले कुछ सालों से इसी इलाके में चल रहा था। गेम जोन में आने वाले पर्यटक अपने वाहन सामने खुले भूखंड में पार्क करते हैं और मुख्य द्वार से प्रवेश करते हैं। गेम जोन में प्रत्येक खेल को खेलने के लिए अलग से शुल्क लिया जाता है। गेम जोन में बॉलिंग एली, गो कार्टिंग जैसे खेल खेलना बच्चों के लिए एक स्वाभाविक आकर्षण था, इसीलिए ज्यादा संख्या में बच्चे यहां पहुंचे थे। अंदर जाने पर ईंट सीमेंट की नींव पर लोहे की छड़ों और चादरों से बनी 2 मंजिला इमारत थी, जिसमें तरह तरह के खेल खेले जाते थे। इसके पीछे फूड जोन भी बनाया गया। इस गेम जोन में प्रवेश के लिए ज्यादा शुल्क लिया जाता था, लेकिन छुट्टियों के दौरान, जैसे कहते हैं ना कि एक पर एक फ्री, कुछ ऐसी योजना यहां पर चल रही थी। ये विशेष योजना के तहत शुल्क घटाकर मात्र 99 रुपए कर दिया गया ताकि भीड़ ज्यादा से ज्यादा जुट सके। लेकिन क्या इन लोगों ने सोचा कि अगर भीड़ जुटती है, अगर कोई भी घटना होती है, तो उससे निपटने के लिए क्या सारे इंतजाम हमारे पास पूरे हैं? महत्वपूर्ण सवाल यही था। इसके चलते भी हादसे के दिन गेम जोन में ज्यादा भीड़ थी। सैटरडे ऊपर से 99 का ये जो ऑफर चल रहा था, ऊपर से बच्चों की छुट्टियां, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि भारी संख्या में वहां पर बच्चे पहुंचे होंगे अपने परिजनों के साथ। ध्रुव हादसे से 30 मिनट पहले गेम जोन छोड़ चुके थे। उन्होंने इंटरव्यूज में बताया है, स्टील ढांचे के एक तरफ वेल्डिंग हो रही थी, वीडियो भी सामने आया है, जिसकी चिंगारी को आसानी से नीचे गिरते हुए देखा जा सकता था। वहां के लोगों ने कहा कि उनके जाने के आधे घंटे बाद काला धुआं उठा, जिससे यकीन हो गया कि आग लग गई है। राजकोट के टीआरपी गेम जोन में आग लगने की वजह से हुए हादसे के 4 सीसीटीवी फुटेज देखे गए हैं। सबसे पहले फुटेज शाम 5:33 का है। इसमें दिखाई देता है कि गेम जोन के अंदर वेल्डिंग का काम चल रहा था। जहां ये वेल्डिंग की जा रही थी, ठीक उसके नीचे फोम शीट का एक बड़ा पैड रखा गया था। सबसे पहले वेल्डिंग से चिंगारी निकलकर इसी फोम शीट को अपनी चमेट में लेती है। 5:34 पर इस फोम की चादर से हल्का धुआं निकलने लगता है, फोम की जो चादर थी उससे। इसके तुरंत बाद 4 से 5 लोग भागते हुए नजर आते हैं। ये लोग आग बुझाने की कोशिश करते हुए भी नजर आते हैं। 5:34 पर ही वहां रखी हुई फोम की शीट जलने लगती है। जल्द ही वहां कई लोग मौजूद हो जाते हैं कि जल्द से जल्द इस आग को बुझा लिया जाए, वरना आग बढ़ सकती थी। कुछ लोग बची हुई फोम शीट को वहां से हटाने की कोशिश भी करते दिखे हैं, लेकिन उन्हें इसमें कामयाबी नहीं मिलती। देखते ही देखते आग बहुत ज्यादा तेजी के साथ फैलने लगती है। एक और फुटेज में एक व्यक्ति फायर एक्सटिंग्विशर से आग बुझाते हुए दिखाई दे रहा है, लेकिन फायदा नहीं मिलता क्योंकि आग बहुत भयानक थी। कुछ ही मिनटों में लोग इधर उधर भागते हुए दिखाई देते हैं। एक बार फिर से फायर एक्सटिंग्विशर लगाया जाता है।
लेकिन आग बुझाने में लोग सफल नहीं हो पाते और एक मिनट के भीतर ही आग तेजी के साथ फैल जाती है। अब यहां से भयानक मंजर शुरू होता है, मलबा ही मलबा, लाशें ही लाशें और गंध ही गंध। इस त्रासदी में मरने वालों में युवा और बच्चे शामिल हैं। मोरबी सस्पेंशन पुल का हादसा तो आपको याद ही होगा, वडोदरा हरणी झील हादसे की तरह सरकार ने भी इस घटना की जांच के लिए एसआईटी का गठन कर दिया। यह घटना के कारणों और गेम जोन प्रमोटरों की कथित लापरवाही की जांच करेगी। रविवार सुबह जब यहां पर शवों को निकालकर एम्बुलेंस में राजकोट सिविल अस्पताल ले जाया जा रहा था, आग में जलने की वजह से शवों की पहचान मुश्किल थी। पानी के फव्वारों से आग बुझी, उसमें जले हुए मानव शरीरों की गंध एक ऐसा दृश्य बनाते थे जिसने सभी को झकझोर कर रख दिया, जिसको देखना बहुत मुश्किल था। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां, पुलिस फोर्स, मीडिया की तैनाती के बीच घटनास्थल पर लोगों की भीड़ जुटी रही। रविवार सुबह देर रात गुजरात के गृह मंत्री हर्ष संघवी, मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल घटनास्थल पर भी पहुंचे थे। रात में जब बचाव दल को लगा कि अंदर कोई और शव नहीं है, तो उन्होंने 6 बुलडोजरों की मदद से गेम जोन से मलबा हटाने की कोशिश की, लेकिन इसके बाद जल्द ही फायर ब्रिगेड कर्मियों ने बुलडोजर रोक दिया और मलबे के नीचे फंसे मानव शवों को तलाशने लगे। हालांकि मलबे में स्टील पाइप और शीट के अलावा कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था और मलबा हटाने के बाद केवल राख ही मिली। वहीं राजकोट के सिविल अस्पताल में शनिवार शाम से ही लोगों की भीड़ दिखाई दी। जो लोग गेम जोन में आ गए थे, लापता हो गए थे, उनके परिजनों ने अस्पताल परिसर में इंतजार करते करते रात बिता दी। रविवार की सुबह भी लोग यहां अपने परिजनों के शवों का इंतजार कर रहे थे। राजकोट के सिविल अस्पताल के गेट पर निजी सुरक्षाकर्मी तैनात किए गए थे। अस्पताल ने शव की पहचान के रिश्तेदारों से डीएनए परीक्षण के नमूने प्राप्त किए, जबकि शवों को उनके रिश्तेदारों को सौंपने का इंतजार होता रहा। पोस्टमार्टम के लिए पुलिस का एक दस्ता तैनात किया गया था। समय के साथ अस्पताल के बाहर जुटी परिजनों की भीड़ धीरे धीरे बढ़ती चली गई। यहाँ अस्पताल में ऐसे लोगों से भी मुलाकात हम कहें कि लोगों ने की, देखा, जो अपनों की तलाश के लिए यहाँ भूखे प्यासे रुके थे। यहाँ के लोगों का एक ही मकसद था, अपने लापता रिश्तेदारों की खबर पाना। कुछ लोगों ने बताया कि डीएनए सैंपल ले लिया गया है, 24 घंटे के अंदर आपको कॉल करके जानकारी दी जाएगी, ये कहा गया। हाँ, डीएनए रिपोर्ट आने में टाइम लगता है। कुछ लोगों ने ये भी कहा कि गेम जोन में गए मेरे रिश्तेदार सिविल अस्पताल में है या किसी अन्य अस्पताल में, इस बारे में भी कोई संतोषजनक जवाब नहीं है। उनका कहना था कि हमारा रिश्तेदार अस्पताल में है या नहीं, अगर हाँ तो ये किस स्थिति में है, सवाल लगातार लोगों को परेशान करता रहा। अब अस्पताल या किसी अन्य अथॉरिटी से इसका जवाब नहीं मिल रहा था। 4 शवों की पहचान हुई है, प्रशासन के द्वारा ये कहा गया, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि यहाँ पर गिरफ्तारियां भी हो गई हैं, सब कुछ हो गया है, लेकिन आखिर इजाजत किसने दी थी, किसने दी इजाजत? घटना की गंभीरता को देखते हुए गुजरात हाईकोर्ट की विशेष पीठ ने स्वतः संज्ञान लिया है। उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार, राजकोट नगर निगम से रिपोर्ट मांगी है कि ऐसे गेम जोन को मंजूरी आखिर दे कैसे दी गई। साथ ही राजकोट तालुका पुलिस ने गेम जोन के प्रबंधकों सहित 6 लोगों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 304, 308, 337, 338 और 114 के तहत मामला दर्ज कर लिया है, जांच करी जा रही है। अभियुक्तों में गेम जोन के मैनेजर युवराज सोलंकी और मैनेजर नितिन जैन को गिरफ्तार किया गया। दुर्घटना स्थल हो या राजकोट सिविल अस्पताल, दोनों ही जगहों की हवा में अपने परिजनों के शव पाने के लिए बेचैन खड़े लोगों का दुख घुलासा था। ये गुस्सा मानवीय लापरवाही के कारण हुआ। त्रासदी में अपनों को खोने को लेकर यह भी चिंता है कि क्या इस त्रासदी के लिए जिम्मेदार लोगों को सजा मिल पाएगी। हालांकि अब लोगों की नजर इस बात पर होगी कि पूरे मामले की जांच के लिए राज्य सरकार द्वारा एसआईटी पीड़ित परिवारों को कितनी जल्दी न्याय दिला पाएगी। लेकिन ये दर्द, ये आंखें, ये डूबते सूरज की तरह डूबता चेहरा बहुत कुछ बता रहा है। अब सवाल ये है कि क्या पहले जो हादसे हुए उनकी जांच सही हो गई है, जो अब एक और मामला निकल कर सामने आया है। आज तो यही है कि अपराधियों को ज्यादा सजा जरूर मिलेगी और जल्द से जल्द मिलेगी, लेकिन इंतजार इस बात का है कि क्या मिलेगी, ये भी सवाल लगातार लोगों के जहन में है। एट 9 में आज के लिए इतना ही, कल फिर लौटेंगे किसी और मुद्दे पर बात करेंगे। धन्यवाद।